यूट्यूब वालों आप भी हमें मैसेज कीजिए जीमेल पे। बैक टू एवरी ब्लॉग। हाँ तो आज बेसिकली जो है ना बड़ा गमगीन सा टॉपिक है और आपको पहले तो ये बताएं पिछले जो 7 दिन थे अभी बीच में, मतलब 7 दिन हम जो आप नहीं अपलोड कर रहे थे डिले हो गई थी। उसके बाद ये जो 3 व्लॉग्स अपलोड हुई हैं उसके बाद हमने सोचा इसके पीछे बड़ी, उसके बाद हमने सोचा क्यों ना ये जो कहानी के पीछे जो राज है वो आपके साथ शेयर करें तो आपको भी पता चले और हमें भी ये पूछना है कि ये सीन हमारे साथ हुआ क्यों, तो हमने ऐसी क्या गलती की है। आवाज नीचे। तो बेसिकली ना 22 मई को PI का प्लेन क्रैश हुआ था और उसके अगले दिन ही हमने उसमें एक व्लॉग बनाया था। 23 मई को सैटरडे का दिन था, आज भी सैटरडे का ही दिन है। तो अभी जो ना मतलब हमने उसमें व्लॉग बनाया था, व्लॉग बनाया और वो अपलोड किया तो कुछ ही मिनट के बाद, कुछ ही घंटों 2-3 घंटों के बाद जो ना नहीं 2-3 घंटे हुए थे उसके बाद रिमूव हो गई थी। और मैंने दोबारा अपलोड की इसकी वजह से दोबारा अपलोड की, फिर मेरे पास मैसेज आया फिर उन्होंने रिमूव कर दिया। उन्होंने हाँ पहले हमने मतलब डाली रिमूव हो गई, इसके बाद मैसेज आया मेरे पास मैसेज आया कि आप यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ जा रहे हैं, आपकी वीडियो इस वजह से डिलीट हो गई है। तो उसके बाद जो तो इसने बोला कि किसी ने रिपोर्ट वगैरह कर दी होगी वीडियो इस वजह से, मतलब ऐसा हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, ये यूट्यूब वालों ने साफ साफ इसमें लिखा है कि मतलब हमने किया आपकी। तो उसने बोला दोबारा लगाओ, मैंने फिर दोबारा वीडियो अपलोड की, तकरीबन रात के 10-11 बज रहे थे। तो उसके बाद भी स्ट्राइक आ गई, तो उसके बाद फिर रिमूव हो गई, सही है, फिर रिमूव हो गई वीडियो, फिर हमने उसके बाद नहीं लगाई इस पर वीडियो। तो अगले दिन हमने नहीं लगाई थी वीडियो। उसकी जो जीमेल पे उनका मैसेज जो हमारे पास आया था, उन्होंने कहा अगर आपकी जो अभी वीडियो हमने आपकी डिलीट की है वो अगर सही है तो आप नीचे फॉर्म भेज रहे हैं वो सबमिट करें। तो उसमें मैंने सबमिट किया था कि हमारा कंटेंट सही है बिल्कुल, ये वो हर चीज़ लिखी थी। फिर दोबारा से मतलब वीडियो नहीं आई, फिर मैंने अगेन फॉर्म अगेन फिल किया और उनसे पूछा कि हमारी गलती क्या थी। लेकिन उनका रिस्पांस नहीं आया। उनका रिस्पांस आया था। अच्छा। उन्होंने कहा था कि आप मतलब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें समझ नहीं आया कि हमने ऐसा क्या किया था इस वीडियो के अंदर जो YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ था, इस वजह से ये जो है ना हमारे पास एक स्ट्राइक लग गई है। नहीं अभी उस वक्त भी नहीं लगी थी उसके, तो मैंने जो अपील की थी ना उस फॉर्म के बाद आई। हाँ तो मतलब उसके बाद एक दिन के बाद हमने मतलब उसके बाद भी हमने 4-5 दिन के बाद दो व्लॉग्स लगाए थे 2 या 3। तो फिर उसके बाद मतलब उनका जीमेल पे मैसेज आया कि ना आपको एक स्ट्राइक लग चुकी है और आप 1 वीक तक वीडियो नहीं डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला अगर आपको दूसरी स्ट्राइक लगेगी तो आप 2 वीक नहीं लगा पाएंगे, अगर आपको तीसरी स्ट्राइक लगी तो आप 3 महीने तक नहीं लगा सकते और हो भी सकता है कि आपका चैनल परमानेंटली डिलीट हो जाए। तो यूट्यूब वालों तो और सुन लो, हम आपसे यही पूछ रहे हैं हमने गलती क्या की है, हमें ये बता दीजिए। असल में हमें पता ही नहीं, हम न्यू यूट्यूबर्स हैं, हम अभी ग्रो होना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम ऐसी गलती करें, हमें बताएं तो सही, एटलीस्ट पता तो चले। आप जो हमारे व्यूअर्स आप लोग सुन रहे हैं आप बस यही बताइए हमने गलती क्या की है यार, हमने गलती क्या की है। मैं नहीं बताऊंगा, हम स्ट्राइक नहीं लेना चाहते, हम ऐसी चीज नहीं करना चाहते, हम यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं जाना चाहते। उसके बाद मतलब अभी उन्होंने पहली स्ट्राइक हमें लगाई, अभी हम 1 हफ्ते तक वीडियो नहीं अपलोड कर सकते, हमें बहुत दुख हुआ है, दिल टूट गया है हमारा पूरा। तो अब यूट्यूब वालों हमारे साथ कोई एहसान करो, अबे बोलने देना, हमें पता तो चले, इंसान बात नहीं करने दे रहा। यूट्यूब तो हमें ये पूछना था अगर मतलब किसी हमारे व्यूअर को पता हो या फिर हमारे किसी अजीज दोस्त को पता हो इसके बारे में तो हमें प्लीज कमेंट सेशन में बता दे।
और बस इसी के साथ इतने दिनों तक इनएक्टिव रहने का मकसद यही था कि हम और कुछ मतलब अब हमारे पास YouTube की तरफ से जो मैसेज आ रहे हैं वो आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, वो आपको हम स्क्रीन पे दिखा देंगे, स्क्रीन पे दिखा देंगे, स्क्रीन पे दिखा देंगे। हाँ तो यही था, यही तो था, हमें यही बात करनी थी कि हम इस वजह से मतलब पूरा एक हफ्ता इनएक्टिव रहे और फिर तीन ब्लॉग्स के बाद हमने ये ब्लॉग क्यों डाली, क्योंकि हमने सोचा ये एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो अभी मतलब ये था हमारा आज का टॉपिक, और अगर आपको हमारे गम में शरीक होना है तो मतलब आप लोगों को तो प्लीज कुछ मतलब एक्सपीरियंस जानना हो, जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको पता चल गया होगा कि मतलब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ अगर जाते हो यूट्यूब की तो आपके पास स्ट्राइक आती है, हमें तो वो ज्यादा कुछ सीख गए होंगे इस वीडियो से। तो इसी के साथ वीडियो को इख्तिताम करते हैं, लाइक कमेंट शेयर घंटा वगैरह दबा दीजिएगा, वो ऐसे होता है, कमेंट तो जरूर कीजिएगा, हमें पता तो चले हमने क्या मिस्टेक किया। यूट्यूब वालों आप भी हमें मैसेज कीजिए जीमेल पे, हमें भी पता चले यार हमने मिस्टेक क्या की है।